गुड मॉर्निंग, सक्सेस ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 की आंसर की 4 अक्टूबर 2019 को अपलोड की गई थी, जिस पर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात दिनांक 2/12/2019 2 दिसंबर 2019 को रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी, जिसमें 30/9/2019 प्रथम पाली के 5 प्रश्नों पर और सेकंड शिफ्ट के 6 प्रश्नों पर तथा 1 अक्टूबर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 9 प्रश्नों पर तथा सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्नों पर फुल मार्क्स दिए जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया था। इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग शिफ्ट वाइज 6 से 18 अंकों की वृद्धि ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में हुई है। अब एक पॉइंट ये बनता है कि हार्ड शिफ्ट वालों के मार्क्स ऑलमोस्ट कम रहे होंगे और इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा रहे होंगे, तो एक तरह से ये समझा जाए कि आयोग ने सभी शिफ्टों के मार्क्स को ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि कम से कम कितने मार्क्स मेन के लिए सेफ होंगे या एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मेन्स क्या होगी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अगर प्री में मार्क्स कम मर रहे हैं तो क्या मेंस की तैयारी की जाए या ना की जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट करके ये भी पूछा है कि जिन क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स मिले हैं, अगर वो क्वेश्चन पहले से ही सही रहे हों तो उन्हें क्या बेनिफिट होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है, लेकिन एक बार फिर वही बात दोहराऊँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ तक फुल मार्क्स की बात करें तो ये आपके सामने आयोग की वेबसाइट है जिसमें कैटेगरी वाइज फुल मार्क्स का डिटेल दिया हुआ है। अब इस पर मार्क्स कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए मैं पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आप इसमें देखिए कि 30 सितंबर 2019 प्रथम पाली में 5 क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स दिए गए हैं, 30 सितंबर 2019 द्वितीय पाली में 6 क्वेश्चन पर फुल मार्क्स दिए गए हैं, 1 अक्टूबर 2019 प्रथम पाली में 9 क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स दिए गए हैं और 1 अक्टूबर 2019 द्वितीय पाली में 3 क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स कैलकुलेशन जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उससे आप देख सकते हैं उस वीडियो को और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए कट ऑफ की बात करते हैं। पहले उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि इस एग्ज़ाम में 5.11 लाख कैंडिडेट्स, यानी 5,11,000 कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया है, और जबकि 11.25 लाख कैंडिडेट्स ने जो है अप्लाई किया था। तो आप इसी से देखें कि प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स कितनी कम रही थी। दूसरी बात यह है कि इससे पहले वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाई गई थी। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोअर के कैंडिडेट्स पर यह पड़ा कि लोअर प्री की कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहेगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। जहाँ तक पेपर की बात करें तो मैथ, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने में ऊपर से काफ़ी इजी लग रहे थे, लेकिन अंदर से कॉम्प्लिकेटेड थे। परिणाम ये हुआ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी हुए। आप सपोज कीजिए कि किसी कैंडिडेट ने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इस 135 क्वेश्चन में से जो है 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसके नेगेटिव मार्किंग के बाद मार्क्स कितने बने, 195। इसी तरह से आप मान लीजिए कि किसी दूसरे कैंडिडेट ने जो है 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 25 गलत हो गए, तो मार्क्स कितने बने, लगभग 197.5।
अगर किसी कैंडिडेट ने बहुत केयरफुली अटेम्प्ट किया हो और 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया और 120 में 20 क्वेश्चन गलत हो गए, एक स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होता है, तो भी मार्क्स जो हैं वो 190 ही बनते हैं। तो इस प्रकार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स अगर 190 से 200 के बीच आते हैं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी भी इसी के आसपास बनेंगे, तो अनरिजर्व के अगर 190 से 200 के बीच मार्क्स बनते हैं तो वो सेफ मार्क्स हैं। लेकिन आयोग द्वारा फुल मार्क्स देने के बाद परिदृश्य में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए देखते हैं कि कैटेगरी वाइज प्री की कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे अपने मार्क्स कमेंट के साथ लिखने का अनुरोध किया था। आपने कमेंट करके जो मार्क्स बताए थे मैंने उसकी एनालिसिस की। इसके अतिरिक्त और भी चैनल्स पर कैंडिडेट ने जो जो मार्क्स बताए थे उनकी भी एनालिसिस की है। ओवरऑल कैंडिडेट्स एनालिसिस के बाद स्थिति ये बनती है कि अनरिजर्व कैटेगरी के औसतन मार्क्स जो हैं वो 190 से 200 के बीच, 210 के बीच रहे हैं। जो मार्क्स कमेंट करके आप लोगों ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्थिति बनी है वो ये है कि औसतन मार्क्स जो हैं 190 से 210 के बीच में बने हैं। तो 210 प्लस जो है वो एक्सेप्शंस हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट्स के हैं। तो इस तरह से अगर अनरिजर्व के मार्क्स जो हैं 200 प्लस माइनस 5, अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स अगर 200 प्लस माइनस 5 बनते हैं तो आई थिंक दिस विल बी ए सेफ मार्क्स फॉर मेंस। इसी तरह से अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो इनके मार्क्स जो हैं वो 170 टू 190 के बीच औसतन मार्क्स रहे हैं। तो अगर अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनके मार्क्स अगर 180 प्लस माइनस 5 के बीच रहते हैं तो ये बिल्कुल सेफ मार्क्स होगा मेंस के लिए। अब आइए ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में आप लोगों ने जो मार्क्स कमेंट किए हैं वो 185 से 205 के बीच में रहे हैं। तो इस तरह से ओबीसी मेंस के लिए जो है 195 प्लस माइनस 5 मार्क्स, ये बिल्कुल सेफ मार्क्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। और अगर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो 170 टू 190 के बीच रहे हैं। और इस तरह से ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है या जो सेफ मार्क्स हैं वो 180 प्लस माइनस 5 बनती है, एक्सपेक्ट की जाती है। आइए एससी कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो एससी कैंडिडेट्स के भी जो मार्क्स कमेंट बॉक्स में प्राप्त हुए हैं वो 170 से 190 के बीच में प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर जो है और अदर फैक्टर्स की भी एनालिसिस करके उसको भी कंसीडर करते हुए जो एससी की कट ऑफ है वो मेल्स की 175 प्लस माइनस 5 एससी मेल्स की है, कैंडिडेट्स की 175 प्लस माइनस 5 एक्सपेक्ट की जाती है। और अगर एससी कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है वो 160 टू 170 के बीच में
रही है औसतन, तो इस तरह से ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 165 प्लस माइनस 5 ये एक्सपेक्टेड है, ये सेफ मार्क्स रहेंगे। अब आइए एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, तो एसटी कैंडिडेट्स के जो औसतन मार्क्स कमेंट बॉक्स में प्राप्त हुए हैं वो 145 से 165 के बीच में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से एसटी मेल्स की अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है 150 प्लस माइनस 5 मार्क्स की बनती है। और अगर एसटी फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के मार्क्स की जो कट ऑफ है वो 140 प्लस माइनस 5, 140 प्लस माइनस 5 ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सेफ मार्क्स रहेंगे। अब आइए आपके अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। जहाँ तक मेंस की तैयारी करने या ना करने का प्रश्न है, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी पुरजोर अपील है आपसे कि आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि जनवरी फरवरी 2020 में लोअर पीसीएस की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, और ये जो तैयारी इस दौरान आप कर लेंगे वो लोअर पीसीएस 2020 प्री क्लियर करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए आप कतई कतई मेंस की तैयारी ना छोड़ें, मेंस की पूरी तरह से तैयारी करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।